तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्ष सेठी और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर कार्स, जहां आज हम आपके लिए लेके आए हैं होंडा मेज पेट्रोल का टॉप एंड ऑटोमेटिक सीवीटी वेरिएंट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने चैनल पर चेक करा है, आप में से 98% लोग हमारी वीडियोस देखते हैं एंड आई नो आप कमेंट भी करते हैं, आपको पसंद भी आती है और आई होप वीडियोस बढ़िया ही बनती होंगी। तो अगर आपको वीडियोस रियली पसंद आती हैं तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आप करेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को करेंगे लाइक तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है ऐसी बढ़िया कार्स आपके लिए डेली बेसिस पे अरेंज करना। तो अगर आप हमारी तरफ से ऐसे कार रिव्यूज़ रोज़ देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ में हमें सपोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक करके। एक क्रिएटर के लिए सबसे बढ़िया बात यही हो सकती है कि उसके चैनल पे सब्सक्राइबर्स और लाइक्स बढ़ते रहें। तो दोस्तों चलिए होंडा मेज के रिव्यू के साथ करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं होंडा मेज के रिव्यू के साथ। सबसे पहले हम आपको इसके लुक्स बताने वाले हैं। जहां तक गाड़ी की लुक्स की बात है, लुक्स में ये कार आपको फ्रंट से देखने में काफी अट्रैक्टिव लगने वाली है। ये जो होंडा मेज का फेसलिफ्ट वर्जन आया था, काफ़ी ही ज़्यादा मतलब इन्हेंसमेंट के साथ और इम्प्रूवमेंट्स के साथ आया था। ये नया मॉडल हमें देखने में पहले मॉडल से 10 times बेटर लगा था। मतलब वो पुराना मॉडल तो बिल्कुल ही देखने में बेकार लगता था, पर डेफिनेटली इस मॉडल के साथ कंपनी ने काफ़ी ही इम्प्रूवमेंट करी अपनी कार में। इसमें आपको सामने डियर एंड भी दे दी गई थी और आपको इस बारी जो आपके हेडलाइट्स है उसमें सिंगल बल्ब मिलता है फॉर हाई एंड लो बीम। दोस्तों ओवरऑल देखने में गाड़ी का डिज़ाइन सामने से काफ़ी सुंदर है। बम्पर की जो कट्स एंड कर्व्स है, क्रीसेज हैं, वो भी देखने में अट्रैक्टिव लगती है और आपको एक डेफिनेटली अप मार्केट कार की फील देती है, ना कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही एक सस्ती सी सेडान चला रहे हैं। दोस्तों अब दूसरी बात आपको करें इसके बोनट की, बोनट पे का भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और साथ में काफ़ी फ्लैट बोनट है। आपको जब आप इसके डिज़ाइन को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा काफ़ी एसयूवी टाइप में इसका बोनट है, बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा आप छोटी सेडान चला रहे हैं। काफ़ी बढ़िया है बोनट और दिखता भी है, जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तुमको इजीली बोनट का एज तक दिख रहा है, तो ये गाड़ी चलानी काफ़ी ज़्यादा ईजी रह जाएगी अगर आप उस क्राइटेरिया से देखेंगे। साइड लुक की जहाँ तक बात है, गाड़ी की लेंथ थोड़ी छोटी है पर देखने में बिल्कुल बुरी नहीं लग रही आपको। ओवरऑल इसके डोर हैंडल्स वगैरह, इसकी जो विंडो लाइनिंग, सब कुछ देखने में बढ़िया है। मेरे को ओवरऑल इस कार की सेगमेंट के हिसाब से इस कार की लुक्स काफ़ी ही अट्रैक्टिव लगी हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रेयर डिज़ाइन की, जहां पर ये गाड़ी खा जाती है मार। रेयर डिज़ाइन में दोस्तों मेरे को ये गाड़ी डेफिनेटली आप कह सकते हैं ठीक ठाक लगी है, काफ़ी एवरेज कार है, सुंदर बिल्कुल नहीं लगती देखने में। अगर आप इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से, मारुति सुजुकी डिज़ायर से या फिर एमियो से कंपेयर करें इस कार को, तो डेफिनेटली वो गाड़ियाँ इससे बेटर लुकिंग हैं, ये मैं कह सकता हूँ आपको। एमयू तो इससे काफ़ी बेटर लुकिंग लगती है मेरे को ओवरऑल अगर आपको मैं बात करूँ, पर अगर रियर लुक से बात करें तो ये गाड़ियाँ सारी की सारी ही एवरेज लगती हैं, कोई भी गाड़ी रियर लुक से बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगती। अब दोस्तों बात करते हैं इंटीरियर के लुक्स की। इंटीरियर का लुक बहुत ही स्मार्ट है, डैशबोर्ड आपको फ्लैट फिनिश के साथ मिलता है, स्क्रीन आपको थोड़ा सा टिल्ट भी दे देती है जिसकी वजह से यूज़ करना ईजी हो जाता है, एक ऑन वेंट्स आपको अच्छी हाइट पे है और डायरेक्टली आपके फेस पे हवा को ब्लो करते हैं जिससे आप हर टाइम कूल रहेंगे। और ये आपको मैं बता दूं, होंडा का इस कार का एसी बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। 2 मिनट के अंदर ये गाड़ी आपकी ठंडी कर देगा, कभी भी आपको गर्मी इस कार में नहीं लगने वाली, एसी काफ़ी इफेक्टिव है। और आपको डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक का फिनिश यूज़ करा गया है, यही फिनिश डोर पैड्स पे भी यूज़ करा गया है और साथ में ऐसी ही फिनिश स्टेयरिंग व्हील पे भी यूज़ करी गई है। देखने में ये फिनिश काफ़ी आप कह सकते हैं ठीक ठाक सी लगती है, एक प्रीमियम कार की फील बिल्कुल भी नहीं देती है, बिल्कुल चीप प्लास्टिक है, बिल्कुल भी बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है इस कार में। अगर आप बात करें डैशबोर्ड के प्लास्टिक की तो ये मेरे को थोड़ा बेटर लगा है बाकी प्लास्टिक से, पर लोअर पार्ट की बात करें वो भी सेम ही क्वालिटी के प्लास्टिक में आता है। प्लास्टिक क्वालिटी की जो बात है वो इसकी काफ़ी ही बढ़िया है, मतलब आप कह सकते हैं इस सेगमेंट के हिसाब से प्लास्टिक क्वालिटी में होंडा मेज की कमी नहीं छोड़ी गई है, ठीक ठाक क्वालिटी के प्लास्टिक गाड़ी में यूज़ करे गए हैं जो आपको इस सेगमेंट में डेफिनेटली प्लस फीलिंग दे देंगे। और दोस्तों बात करते हैं इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स की, यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है, स्टेयरिंग व्हील भी देखने में सुंदर है और मेटल के पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, साथ में आपका जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है उसकी मैं आपको फोटो खींच के दिखा दूंगा दोस्तों, वो देखने में रेड में इल्यूमिनेट होता है और काफ़ी ही ग्लास लुक में है, तो डेफिनेटली अप मार्केट फील देता है आपको ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी। ओवरऑल इस कार के लुक्स को मैं देना चाहूँगा, अगर आप कहें एक अबव एवरेज लुक है, लुकिंग कार है ये, अगर आप 5 में से बात करें तो 2.53 तक इसको स्कोर मिल सकता है, उससे ऊपर ये गाड़ी बिल्कुल नहीं जाएगी। तो चलिए दोस्तों आपको थोड़ा बता देते हैं इस कार के फीचर्स के बारे में। जहाँ तक फीचर्स की बात है, फ्रंट में आपको इस कार में हेडलाइट्स में DRL मिल जाती है और साथ में सिंगल बल्ब मिलता है जिसमें से आपकी लो और हाई बीम दोनों ही निकलती हैं।
और साथ में फॉर्म रेंज भी इस कार में आपको मिल जाती है क्योंकि ये है टॉप एंड वेरिएंट अमेज का। और आपको फीचर्स की बात बताएं तो फ्रंट में आपको बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बम्पर मिल जाता है जो आपको एरोडायनामिक्स में हेल्प करेगा डेफिनेटली। साइड प्रोफाइल की बात करें आपको मिलते हैं एलॉय व्हील्स इस कार में और साथ में एक आपको कीनेस एंट्री भी मिल जाती है इस कार में। ये फीचर्स आपको मिलते हैं साइड प्रोफाइल में। रियर लुक की जहाँ तक बात है वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर मिल जाता है और साथ में शार्क फिन एंटीना मिल जाता है इस कार के फीचर्स के मामले में। फीचर लोडेड बहुत ज़्यादा नहीं है ये गाड़ी, थोड़े बहुत ही फीचर्स मिलते हैं बिकॉज ये एक बजट सेगमेंट में कार आ जाती है, ये एक आप कह देते हैं हैचबैक सेडान्स में आती हैं, ये ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ नहीं है तो आपको फीचर्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। अब दोस्तों इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर एक ऐसा हिस्सा है इस कार का जहाँ पर काफ़ी आपको फीचर लोडेड लगेगी ये कार। आपको यहाँ पर टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है विद नेविगेशन, चलाने में काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, मेरे को ओवरऑल अच्छा लगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, MID जो आपको रेंज वगैरह सब कुछ आपका शो कर देगी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है इस कार में। और आपको दोस्तों इस कार के बारे में बताएं तो इसमें ये कार है ऑटोमेटिक, तो ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा फीचर है जो डेफिनेटली आपको डेली ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इस कार को। दोस्तों इस फीचर इस कार के और फीचर्स की बात करें तो उसमें मिलते हैं हमें पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, देख सकते हैं आप काफ़ी बढ़िया वर्क करते हैं पैडल शिफ्टर्स। साथ में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं इस कार में, आपको सारे ही पावर विंडोज मिल जाती हैं, आपको पावर एडजस्टेबल आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं और पावर ही फोल्डेबल मिलते हैं आपको वो मिरर्स। और साथ में आपको बात करें तो इस कार में और ऐसा कोई बड़ा फीचर नहीं मिलता है इस कार के इंटीरियर में, यही सारे फीचर्स थे। ओवरऑल ये गाड़ी मेरे को इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फीचर के साथ लोडेड लगती है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे इस कार की बिल्ड क्वालिटी और इस कार की सेफ्टी। बिल्ड क्वालिटी में ये गाड़ी बिल्कुल ही लैक कर जाती है। अगर आप बात करें इंटीरियर की बिल्ड अच्छी है पर एक्सटीरियर का जो लोहा है वो बिल्कुल भी बढ़िया क्वालिटी का नहीं यूज़ करा गया है और साथ में बहुत ही पतला लोहा है इस कार का। अगर आप को बोनट हम दिखाएं, आपको एक शॉट डाल के दिखाऊंगा मैं बोनट का, इतना फ्लिमजी बोनट है इसका जिसका कोई हिसाब नहीं, बिल्कुल मेरे को देखने में पसंद नहीं आया है। और आपको बताऊं मैं इसके कहते हैं जितने भी आपके बॉडी पैनल्स वगैरह है काफ़ी हल्के लगते हैं, देखने में बढ़िया क्वालिटी के बिल्कुल नहीं लगे मेरे को। इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी अबव एवरेज है और काफ़ी सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया लगी मेरे को। सारे मटेरियल्स टच करने में एक अच्छी क्वालिटी की फील देते हैं, डेफिनेटली आपको ये गाड़ी बुरी क्वालिटी की इंटीरियर के मामले में फील नहीं होने वाली। और दोस्तों आपको बात करें कि नेट पिकिंग्स करूँ मैं तो ये जो स्टीयरिंग कंट्रोल बटन्स हैं ये बहुत ही छोटे और बहुत ही बेकार हैं यूज़ करने में, मेरे को डेफिनेटली बिल्कुल भी ये स्टीयरिंग कंट्रोल बटन्स इसके नहीं पसंद आए। और आपको बात करूँ ये भी जो बटन्स हैं इनकी क्वालिटी नहीं फील होती है जो क्वालिटी आपको फील होनी चाहिए इस सेगमेंट की कार में, मतलब अराउंड 10 लाख के पास ये गाड़ी आती है तो उस हिसाब से थोड़ी तो क्वालिटी होंडा इसमें डाल ही सकती थी। बाकी आपको बात करें कि इस कार में आपको सेफ्टी के मामले में मिलते हैं 2 एयरबैग्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक ड्राइवर साइड और एक मिलता है पैसेंजर साइड, ये 2 ही एयरबैग्स हैं इस कार में। और इसकी सेफ्टी जो है वो अबव एवरेज है, आप कह सकते हैं ये गाड़ी काफ़ी सेफ है अगर आप किस सेगमेंट की कार को कंसिडर करते हैं, पर डेफिनेटली वॉक्सवैगन की जो MU है उससे मच सेफर कार होगी। पर दूसरी बात है अगर आप मारुति सुजुकी डिज़ायर की बात करें उसकी सेफ्टी इससे कम है, तो आप कह सकते हैं ये डेफिनेटली एक बढ़िया कार है सेफ्टी के मामले में। अब आपको आगे चलते हैं इस कार के इंजन परफॉर्मेंस वगैरह सबकी तरफ, जो कि डेफिनेटली आपको लास्ट क्राइटेरिया में से एक होना चाहिए इस कार के, बिकॉज ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल नहीं है। कार को कर दिया है स्पोर्ट्स मोड में, गियर सेकंड है, दोस्तों कुछ भी नहीं करती ये कार, बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगी। आप रेस दीजिए, आप जो मर्जी कीजिए, स्पोर्ट्स मोड में डालिए, बिल्कुल ये कार का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, जीरो रिस्पॉन्स देती है ये कार। आप मतलब जब फुट अपना प्रेस करेंगे स्पीड गेन करेगी कार, पर आपको बिल्कुल भी नहीं फील होगा कि आप एक बढ़िया गाड़ी में बैठे हैं यार, बहुत ही ज्यादा स्लो कार है दोस्तों। अगर आपको एक परफॉर्मेंस के लिए कार चाहिए तो वो है वॉक्सवैगन की MU। MU मच 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 बेटर कार लगेगी आपको अगर आप परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इस कार की परफॉर्मेंस नल है, बिल्कुल ही जीरो है, पर जहां पर ये गाड़ी एक्सेल करती है इसकी गाड़ी की बॉडी हैंडलिंग है। आपको थोड़ा सा यहाँ कट लेके दिखा रहे हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आप, स्टीयरिंग बहुत ही बढ़िया फील होता है इस कार का, डायरेक्ट फील होता है और साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स करता है। बॉडी कंट्रोल कार का अमेजिंग है, टायर की तरफ से आपको मतलब एवरेज टाइप ग्रिप मिल जाती है, तो पैकेज की तरह अगर आप देखें कॉर्नर्स वगैरह में, हिली सेक्शंस वगैरह में, ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया रहेगी आपको डेली यूज़ करने के लिए, बिकॉज बिल्कुल भी गाड़ी में बॉडी रोल नहीं है और आपको थकावट नहीं फील होगी ये कार चलाते हुए। बहुत ही बढ़िया कार है अगर आप बात करें इसकी हैंडलिंग के बारे में। अगले क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो है इस गाड़ी का मेन सेलिंग पॉइंट और मेन क्राइटेरिया, स्पेस एंड कंफर्ट। ये गाड़ी कर जाती है एक्सेल जब हम स्पेस की बात करते हैं।
इतनी ज्यादा स्पेस दोस्तों इस कार में मिलती है आपको इस सेगमेंट के हिसाब से, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट स्पेस का ये आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देगी। डिक्की भी गाड़ी की काफी बढ़िया, अगर बूट की आपको बात करें आप आराम से अपने टैची वगैरह जो मर्जी इसमें लोड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी एक बड़े साइज का टैची और एक छोटे साइज का टैची इजीली आपके इस कार में फिट आ जाएगा। उसके बाद भी आप अपने हैंडबैग्स वगैरह इस कार में रख सकते हैं, तो बूट स्पेस काफी बढ़िया है। अब इंटीरियर की बात करें तो फ्रंट सीट सो बोलस्टरिंग वगैरह मेरे को काफी ही कंफर्टेबल लगी है। अगर मेरे को इस कार को डेली को यूज करना हो तो मैं बिल्कुल इस कार को चलाते हुए थकूंगा नहीं इन द सिटी। हाईवे पे बात करें तो इस कार की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है बिकॉज ये गाड़ी छोटी है और काफी हल्की है, पर अगर आप इस सेगमेंट की कार खरीद रहे हैं उस हिसाब से काफी बढ़िया स्टेबिलिटी ये कार आपको कर देगी प्रोवाइड। अगली बात करें आपको इस कार के रियर सीट्स की, रियर सीट्स में आपको रिक्लाइन एंगल भी अच्छा मिल जाता है और साथ में स्पेस भी काफी बढ़िया मिल जाती है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'9" 5'10" है तो आप दो बंदे आगे पीछे 5'9" 5'10" की हाइट के ईजिली बैठ जाएंगे। मेरी फॉर रेफरेंस 5'9" है हाइट, तो मैं आपको जब बैठ के दिखाता हूँ दोस्तों इसमें लेग रूम भी बढ़िया मिल जाता है, आपको हेड रूम भी बढ़िया मिल जाता है, आपको नी रूम भी बढ़िया मिल जाता है और साथ में सीट का ओवरऑल कंफर्ट भी बहुत ही अच्छा है। अगली आपको बात करें दोस्तों इस कार के ओवरऑल पैकेज की, तो दोस्तों एज अ पैकेज इसमें आपको सस्पेंशन भी काफ़ी ही बढ़िया मिलता है। कम्फर्ट पैकेज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन है इस कार का, आपको बम्प्स कभी भी इस कार में फील नहीं होने वाले हैं। ये इस कार का बहुत ही बढ़िया पॉइंट एक मेरे को लगा। दोस्तों ओवरऑल गाड़ी मेरे को आई है काफी अच्छी पसंद, तो गाड़ी बढ़िया है चलाने में भी और बैठने में भी। आपको लेके चलते हैं बाहर, देते हैं वर्डिक्ट कि ये गाड़ी किन के लिए है। अगर आप फैमिली यूजर हैं या आप सिंगल ओनर हैं, आपको बताते हैं चल के वर्डिक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा रिव्यू होंडा की अमेज का। ओवरऑल आपको इस गाड़ी के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, हमें क्या पसंद आया और क्या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे इस कार के पॉजिटिव्स की। स्पेस बहुत बढ़िया है, कंफर्ट सस्पेंशन का काफ़ी अच्छा है, टायर्स की तरफ से ग्रिप एवरेज हमें मिल जाती है, इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही एडिक्वेट कह सकते हैं आप, अच्छी इंजन परफॉर्मेंस तो इस कार की मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। गियर बॉक्स इस कार का अगर आप मैनुअल यूज़ करते हैं तो मेरे को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटनिंग क्विक शिफ्ट आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि शिफ्ट तो इस कार में खैर है ही नहीं, इस कार में आपको सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है वो वर्चुअल शिफ्ट्स। आप कहते हैं इसको वर्चुअल गियर्स कहते हैं, सीवीटी में वर्चुअल गियर्स होते हैं, एक्चुअली सीवीटी एक ही गियर में यूज होता है, उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो दोस्तों ओवरऑल इसका ट्रांसमिशन मेरे को बहुत ही, अगर आप कहें ड्राइव पे तो बहुत ही ज्यादा एवरेज सा ट्रांसमिशन लगा, आपको चलाने में मजा नहीं आने वाला, पर स्पोर्ट्स मोड विद पैडल शिफ्टर्स ये कार बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर जाती है। उसके बाद आपको बात करें इस कार के नेगेटिव्स की, सबसे पहला नेगेटिव है इस कार का, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही पुअर हो गई है। दोस्तों होंडा की बिल्ड क्वालिटी जिसके लिए वो जानी जाती थी, अब वो बिल्ड क्वालिटी शायद इन गाड़ियों में नहीं रही है। अगर आप बात करें तो मारुति सुजुकी से बेटर है, पर आप कह सकते हैं उस स्टैंडर्ड पर नहीं है जो होंडा का स्टैंडर्ड था एक टाइम पर। इसकी क्वालिटी डेफिनेटली घट चुकी है और मटेरियल्स बहुत ही लाइट यूज करे हैं। हम आपको एक शॉट डाल के दिखाते हैं कैसे इसका बोनट इतना फ्लिमजी है जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे को इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी नहीं पसंद आई, और दूसरा इसका थोड़ा डिजाइन जो है वो अटपटा सा है, कहीं से अच्छी लगती है और कहीं से काफी बुरी लगती है। पर ओवरऑल आप बात करें तो होंडा मेज एक फैमिली कार के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सेल करती है। अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए जो आप डेली यूज में कर सकें सिटी में चाहे हाईवे पे, अगर आपको ट्रिप्स वगैरह भी जाना हो तो इजीली ये कार आप यूज कर सकते हैं। मेरी तरफ से इस कार को थम्स अप है। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को और इसकी लुक्स को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं तो होंडा मेज इज अ ग्रेट कार टू बाय। तो दोस्तों चलिए अब आपने करना है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आपको पसंद आई है हमारी ये वीडियो तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी बढ़िया गाड़ियां और ऐसी बढ़िया वीडियोस डेली बेसिस पर ला सकें। बाकी दोस्तों जहां तक बात है आपको COVID-19 से बच के रहना चाहिए, हम भी पूरे शूट में सोशली डिस्टेंस रहे हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में और आउटर में मास्क नहीं डाला उसमें हम काफी डिस्टेंस पे खड़े थे, इसलिए मास्क का यूज मैंने नहीं करा है। बाकी आपको हमेशा ही मास्क को रखना है डालकर, ताकि आप रहें सेफ सारी दुनिया से और COVID-19 को फैलाने से हमें रोकना है। तो दोस्तों अब आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, तो अब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एट होम और डेफिनेटली सोशली डिस्टेंस रहिए।